दूसरे वनडे में भारत को हराते ही घमंड में चूर हुए वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप वनडे फाइनल मैच के लिए कप्तान रोहित शर्मा को दे डाली बड़ी चुनौती। रोहित और विराट ने बिठानी वेस्टइंडीज के कप्तान को देनी है सबसे करारी हार। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 29 जुलाई को कैसिंगटन ओवल में खेला गया, जिसे वेस्टइंडीज ने कप्तान शाई होप की अर्धशतकीय पारी के दम पर बड़ी आसानी से जीत लिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि 4 विकेट गिरने के बाद ये मैच भारत की ओर झुक सकता है, लेकिन शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में अंत तक पकड़ बनाए रखी। वहीं इस मैच में मिली जीत के बाद कप्तान शाई होप ने भी बड़ा बयान दे दिया है। वेस्टइंडीज ने कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ दूसरे मुकाबले में नाबाद रहते हुए 63 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी में 2 चौके और 2 छक्के देखने को मिले। शाई ने अंडर प्रेशर काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की। पहले वनडे में मिली हार के बाद शाई होप अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी नाराज दिखाई दिए थे, लेकिन उन्होंने दूसरे वनडे में मिली जीत के बाद अपनी टीम की तारीफ करते हुए पोस्ट मैच में बात करते हुए कहा, जब तक मेरे योगदान से जीत मिलती है मैं खुश हूँ। जब चीजें कठिन होती हैं तो आपको जल्दी से स्कोर करने के तरीके ढूंढने होंगे, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। हमें 2 खिलाड़ी मिले जिनसे मदद मिली, बहुत संतुष्ट हूँ। लक्ष्य सीरीज में वापसी करना था, हमें एक और जीतना है और जोरदार वापसी करनी है। हमें प्रयास करना होगा और आज हमने सही रवैया प्रदर्शित किया, इसे सभी विषयों में दोहराने की जरूरत है। ये संपूर्ण प्रदर्शन था, हम मैदान पर टिकना चाहते थे और अंतिम गेम में सही परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। वेस्टइंडीज ने दूसरे मुकाबले भारतीय टीम को 6 विकेट से हरा दिया, जबकि मेजबान टीम को पहले मुकाबले में भारत के हाथों 141 रनों से करारी हार से सामना करना पड़ा। 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। वहीं अब इस सीरीज का निर्णायक और आखिरी मुकाबला 1 अगस्त को खेला जाएगा। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो वाला होगा, क्योंकि जो भी टीम ये मैच जीतने में सफल हो जाती है वो टीम 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमा लेगी। अगर बारिश की वजह से मैच रद्द होता है तो 1-1 से बराबर हो जाएगी। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।